धोखा कभी नहीं मरता। आप दोगे कल को आपको भी मिलेगा और आपको भी वो मार कर जाएगा। इसी तरह का एक पोस्ट करती हुई नजर आई राखी सावंत। राखी सावंत का ये पोस्ट इनडायरेक्टली और कहे डायरेक्टली ही आदिल खान पर जाता है, आदिल खान दुरानी जो कि उनके एक वक्त पर पति थे। दोनों का डाइवोर्स हुआ, अलग हुए एक दूसरे से। राखी ने कई इल्ज़ाम लगाए आदिल पर, आदिल पर कई हरासमेंट के केसेस भी हुए और राखी ने भी इल्ज़ाम लगाया कि उनके साथ कितनी बदतमीज़ी आदिल ने हमेशा की है, किस तरह फ़ायदा उठाया है। वहीं आदिल भी कभी चुप नहीं रहे, आदिल ने भी कहा कि मेरे पैसों का और बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हमेशा राखी उठाती हुई नजर आई। और राखी ने जो भी रिश्ते निभाए सब फेक थे, लाइमलाइट के लिए थे, उसके फ़ायदे के लिए थे। तो राखी और आदिल का ये केस कहीं ना कहीं आज कोर्ट में भी जहां झूल रहा है। आदिल का ये कहना है कि राखी का सच सामने आ चुका है और चाहते हैं लॉयर्स, कोर्ट, पुलिस की राखी आकर सरेंडर कर दे, जो कर नहीं रही। बीमारी का नाटक भी उसने किया, जो एक्चुअली में नाटक नहीं था। राखी एक्चुअली बीमार थी, उन्हें ट्यूमर था और अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी अभी जाकर शायद नहीं हो पाई है, आज शायद उनका डिस्चार्ज हो जाएगा या कल। तो ऐसे में यहाँ आदिल अभी भी इतने इल्ज़ाम राखी पर लगाते हुए ही नजर आए हैं और राखी का ये पोस्ट कहीं ना कहीं दर्शाता है कि तुमने धोखा दिया था और तुम्हें इसकी सज़ा मिलकर रहेगी आदिल खान। क्या कहना है इस पर आप सभी का कमेंट करके हमें जरूर के बताएगा। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी ना जाएं।